हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। करंट अफेयर्स क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 14th जून और 15th जून की न्यूज़ कंबाइन करके फटाफट देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन टेलीग्राम में पोस्ट किया गया है उसके भी आंसर देखेंगे हम लोग। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज विच आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रखी है जिसमें 1200 क्वेश्चंस का सेट है, हर महीने की अलग अलग करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन देखें, सबसे पहले तो क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग लीड टू एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी। एक्सपेंशन का मतलब यह है कि यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, या फिर इसको और तरीके से देख सकते हैं तो बेसिकली M3 या जिसे हम मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, यह हमें देखने को मिलेगा। इस मनी मल्टीप्लायर में सीधी सी बात है, इकोनॉमी में जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। मान लेते हैं ये हमारी इकोनॉमी है अगर, और इकोनॉमी के बाहर यहाँ पर हमारी RBI होती है। RBI को इकोनॉमी में नहीं कैलकुलेट किया जाता है या काउंट नहीं किया जाता है। सीधी सी बात है, जब RBI पैसा देगी हमारे इकोनॉमी में, एक पैसा इंजेक्ट करेगी तो हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, पहली बात। इसके अलावा जितना ज्यादा ट्रांजेक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे उतना ही ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहां से एक बात कह सकते हैं कि अगर हम रेपो रेट को घटा देते हैं तो इससे होगा क्या कि जो भी बैंक वाले लोग हैं वो RBI से पैसा लेना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होना शुरू कर देगा, तो यानी कि यहां पर हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट पहला है। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करें, डिक्रीज इन बोरोइंग ऑफ बैंक्स। अगर मान लीजिए कि बैंक से बोरो करना अगर बंद कर देंगे, तो मान लेते हैं ये बैंक्स हैं, इनसे अगर आप बोरो करना, जो भी बंदा है अगर वो बोरो करना बंद कर देगा तो सीधी सी बात है बैंक में पैसा आइडल पड़ा रह जाएगा। बैंक में अगर पैसा आइडल पड़ेगा तो 100% श्योर है कि वो RBI से पैसा नहीं लेंगे, और इस कारण से जो मनी मल्टीप्लायर, बेसिकली जो 1 रुपए की जो कीमत है जो 3 रुपए में बदल जा रही है, मनी मल्टीप्लायर होने के कारण से ये नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट या फिर एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी नहीं होने पाएगी। इसलिए अगर मान लीजिए कि डिक्रीज इन बोरोइंग अगर होता है तो बिल्कुल सही बात है कि एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अगर मान लीजिए इंक्रीज इन बोरोइंग हो जाता तो इकोनॉमी में इंक्रीज देखने को मिलता। तीसरी स्टेटमेंट कहते हैं कि राइज ऑफ फाइनेंशियल असेट ऑन द हाउस होल्ड। जैसे मान लेते हैं कि हाउस होल्ड के पास में अगर बहुत ज्यादा ही अगर असेट्स हो जाते हैं, तो असेट्स हो जाने के कारण से केस ये होगा कि अब लोन लेना बंद कर देंगे, और इनफैक्ट लोन न लेने के कारण इकोनॉमी में अगेन डाउनफॉल देखने को मिलेगा, फिर से ये इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए आंसर सिर्फ और सिर्फ इसका ए होगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली न्यूज ली गई थी इंडियन एक्सप्रेस से, और यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम दिया गया था कि RBI एक्सपेक्ट स्पाइक इन नेट फाइनेंशियल असेट ऑफ हाउस होल्ड इन Q1, जहां पर यह बताया गया था कि नेट फाइनेंशियल असेट ऑफ इंडियन हाउस होल्ड राइज ऑन डिक्लाइन इन बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, और इस तरीके से इट इज नॉट अ हेल्दी ट्रेंड रिफ्लेक्टिंग स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। यहाँ पर जो पॉइंट ये हाईलाइट किया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है कि जो नेट फाइनेंशियल असेट ऑफ इंडियन हाउस होल्ड है ये बढ़ करके 7.7% हो गई है। द नेट फाइनेंशियल असेट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज मॉडरेटेड 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 19 टू 7.7% इन द फाइनेंशियल ईयर 18। तो ये बेसिकली थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन बेसिकली IMD से रिलेटेड है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेसिकली करता क्या है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इट इज द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताता है, वेदर रिलेटेड फोरकास्टिंग करता है, और साथ ही साथ सिस्मोलॉजी यानी अर्थक्वेक के बारे में भी बताता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है। बिल्कुल करेक्ट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत काम नहीं करता है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंतर्गत। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ आनी चाहिए यहाँ पर, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल न्यू दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पर बीच में गलत हो जाएगा। रिसेंटली इट हैज चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट एंड हीट वेव इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ड्रॉट की जो भी डेफिनेशन होती है और साथ ही साथ जो हीट वेव की डेफिनेशन है इसको इन्होंने चेंज किया था। इसके डेफिनेशन को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हीट वेव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज रही है। इनफैक्ट एक और न्यूज रही थी ओमेगा के बारे में, तो यहाँ पर ओमेगा हीट वेव इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एक डिस्कशन सेपरेट डिस्कशन ले लेंगे ओमेगा हीट वेव का, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दिस इज रिलेटेड विद एक्चुअली जेट स्ट्रीम, और इसको मैं
एक तो क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस कर दूंगा, साथ ही साथ इसके सेपरेट भी वीडियो बन जाएगी जिससे आप इसको देख सकें क्या चीज है। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ये देखिए बेसिकली एक न्यूज आई थी, अगेन ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। यहां पर ये बोला गया था कि मॉनसून प्रोग्रेस लाइकली टू स्लो दिस वीक। तो इस तरीके से ये जो मॉनसून है, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन ये जो आईएमडी है लगातार न्यूज में बनी हुई है क्योंकि इस साल अर्थक्वेक भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, साथ ही साथ अर्थक्वेक की प्रोननेस भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, प्लस उसके साथ ही साथ साइक्लोन भी काफी ज्यादा डिजास्टर्स आ रखे हैं और साथ ही साथ मॉनसूनल एक्टिविटी तो हो ही रही है। तो हमारी आईएमडी जो होती है वो काफी ज्यादा न्यूज में बनी हुई है, साथ ही साथ ये जो हीट वेव वाली कंडीशन है ये भी है। तो आईएमडी के बारे में इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। आगे एक क्वेश्चन है कि पंधारपुर वारी इस रिलेटेड विद, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जहां पर नाम दे दिया जाता है और देख करके ये लगता है कि ये या तो पेंटिंग होगा या डांस फॉर्म होगा, एक्चुअल में ये पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज। और देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक छोटी सी इस तरीके की फोटोग्राफ निकली हुई है इंडियन एक्सप्रेस में और यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि यहां पर देखिए जो ये पिलग्रिमेज है ये बेसिकली महाराष्ट्र की है। तो इट इज द आर्टिस्ट वर्क ऑन द पेंटिंग ऑफ लॉर्ड विट्ठल, तो ये बेसिकली लॉर्ड विट्ठल है और पांडू रंग है ऑन द वॉल ऑफ शकर नगर इन पुणे पंधारपुर वारी, ये एक पिलग्रिमेज है इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड विट्ठल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कभी भी जब भी न्यूज में आप देखिए तो फोटोग्राफ अगर देखिए तो उसके नीचे आप जरूर देख लीजिए कि आखिर में लिखा क्या है इसके बारे में, दिस कैन मेक अ क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सीधी सी ये क्वेश्चन था कि चाइल्ड लेबर के बारे में क्वेश्चन था। चाइल्ड लेबर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत भी इसको इंक्लूड किया गया है टारगेट के रूप में। आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स होते हैं और साथ ही साथ में 169 टारगेट्स हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर टारगेट नंबर 8 में जो होती है वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात की गई है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखें तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज लॉन्च इन 2002, करेक्ट है, टू रेज अवेयरनेस एंड प्रिवेंट चाइल्ड लेबर फ्रॉम द ह्यूमन राइट। एक्चुअल में ह्यूमन राइट नहीं है, ये है ILO, ये जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवेयरनेस, ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से ह्यूमन राइट के नाम से आपको यहां पर कंफ्यूज किया गया था बेसिकली। दूसरा अगर स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो दूसरी स्टेटमेंट सीधे सीधे करेक्ट है। यहां पर दो एक्ट के बारे में बात किया गया है, एक बात किया गया है मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट और दूसरा बात किया गया है प्रोहिबिशन एंड इमीडिएट एक्शन फॉर द इलिमिनेशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। यहां पर एक इंफॉर्मेशन और आप लोग ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही स्टेटमेंट को, इन दोनों ही एग्रीमेंट को इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, साइन करने के साथ ही साथ रेटिफाई भी कर रखा और इनफैक्ट रेटिफिकेशन लास्ट टू लास्ट ईयर में किया गया था, 2018 में किया गया था रेटिफिकेशन। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहां पर स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है क्योंकि ILO के बारे में है, यहां पर स्टेटमेंट नंबर 2 केवल करेक्ट है, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बारे में छोटी सी न्यूज देख लीजिए कि ये बेसिकली 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये सेलिब्रेट किया जाता है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इट इज इंटेंडेड टू फॉस्टर द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म। इसको 2002 से लॉन्च किया गया और तब से लगातार चाइल्ड मतलब लेबर के अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है। फिलहाल अभी COVID-19 को लेते हुए भी एक थीम बनाई गई है, थीम इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगेन काफी थीम हो जाती है तो आपको याद रखना मुश्किल हो जाती है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहां पर टारगेट आ जाती है। अगला क्वेश्चन है लोनार लेक से रिलेटेड। इस लोनार लेक में बेसिकली देख लेते हैं क्या कुछ है। लोनार लेक आपको पता है कि ये महाराष्ट्र में है और ये बेसिकली क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो लोनार लेक फ्रेश वाटर, नो एक्चुअली फ्रेश वाटर नहीं है, ये एक सैलाइन लेक है। तो इस वजह से यहां पर आप इसकी पीएच भी इनफैक्ट मोर देन 10 होती है, तो काफी ज्यादा सैलाइन है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इनफैक्ट आगे जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है लेकिन सैलाइन वाटर है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये बेसिकली इंटेंशनली इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं क्योंकि यूपीएससी में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं जहां पर बेसिक चीजों में आपके साथ में क्वेश्चनिंग की जा रही होती है। तो यहां पर देखिए सैलाइन लेक है कि नहीं है, केवल और केवल इसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूज किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, रिसेंटली इट हैज रिपोर्टेड चेंज इन कलर, बिल्कुल सही बात है, रिसेंट में ये पिंक कलर हो गया है। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन एंड वेस्ट, नो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस, एक्चुअल में ये इसके इंक्रीज्ड सैलिनिटी के कारण से हुआ है, लेकिन ये मेनली एल्गी फॉर्मेशन के कारण से हुआ है। तो यहां पर ये एल्गी फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, न कि यहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के कारण से हुआ है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट दोनों ही रॉन्ग हो जाएगी, बोथ आर
इनकरेक्ट, दोनों ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए कि टीम ऑफ साइंस टू एग्जामिन व्हाई महाराष्ट्र का जो लोनार लेक है स्टोन पिंग, सम एक्सपर्ट हैव एट्रिब्यूटेड इट टू द सैलिनिटी एंड प्रेजेंस ऑफ एल्गी इन द वाटर बॉडी। अब आप ये बोलेंगे कि सैलिनिटी और प्रेजेंस ऑफ एल्गी, इसका मतलब ये कि ये वाटर जो होता है वो पॉल्यूट हो गया है। बिल्कुल करेक्ट है, पॉल्यूट तो हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण से ही पॉल्यूट हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण से ही हुआ हो, किसी भी तरीके से पॉल्यूट हो सकता है। यहाँ पर लोनार क्रेटर लेक वॉज आइडेंटिफाइड एज अ यूनिक ज्योग्राफिकल साइट बाय द ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड अलेक्जेंडर इन 1823। ये फैक्ट आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल आप एक ध्यान रखिए कि हाँ बहुत पुराना है और साथ ही साथ में ब्रिटिशर के द्वारा खोजा गया है। एंशियंट टाइम में मेट्रोलॉजिकल एक मिट्योर ने आकर के अटैक किया था, मिट्योर आकर के यहाँ पर धस गया था, जिसके कारण से इस तरीके का लेक जनरेट हुआ था, जिसके कारण से हम लोग इसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं। इट इज रिलेटिवली यंग जियोलॉजिकल, इट इज जस्ट 50,000 ईयर ओल्ड। ठीक है, लोनार लेक लाइज विद इन द ओनली नोन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट क्रेटर फाउंड विद इन द ग्रेट डेक्कन ट्रैप बसाल्टिक फॉर्मेशन इन इंडिया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई फ्लोज के बारे में है। दिस इज, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, दिस इज बेसिकली आई फ्लोज, ये बेसिकली महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए कि ये एक तरीके का डिजास्टर मिटिगेशन टेक्निक है। तो डिजास्टर मिटिगेशन में होता क्या है कि यहाँ पर कुछ डिजास्टर सारे क्या होते हैं, डिजास्टर वो होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, बाढ़ हो गया, फ्लडिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है उसको हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। वॉर भी हो गया एक तरीके का, वॉर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजास्टर। इस डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए हम लोग पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, प्रिपेयर्डनेस करके रखी जाती है, हर एक प्रिपेयर्डनेस करने के लिए। जैसे क्या है कि साइक्लोन है, इसके लिए हम लोग हमेशा अनाउंसमेंट करा देते हैं या फिर मोबाइल पे SMS भिजवा देते हैं। अर्थक्वेक के कारण से हमें टाइम बहुत कम मिलता है, इस वजह से हम लोग फटाफट इवैक्यूएट कराने की तैयारी करते हैं और हम लोगों को इंटरनेट के जरिए, SMS के जरिए, TV के जरिए अवेयर कर देते हैं कि देखिए अर्थक्वेक आके रखा हुआ है और आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। फ्लडिंग के लिए देखिए इसी तरीके का एक और एप्लीकेशन निकाला गया जिसका नाम है आई फ्लोज। तो इसमें ये एक तरीके का एप्लीकेशन है जहां पर एक SMS या फिर कह लीजिए कि लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा 6 घंटे से 72 घंटे तक, मतलब कि जब भी इनको लगेगा कि हाँ फ्लडिंग आने वाली है तो उसके 6 घंटे या उसके 72 घंटे पहले तक में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ताकि लोग अपनी जरूरी सामानों को लेकर के फटाफट उस एरिया को वैकेट कर दें, उस एरिया से निकल जाएं, ताकि जो भी नुकसान हो सकता है वो नुकसान ना हो। ये महाराष्ट्र ऐसा पहला कोई स्टेट नहीं है जहां पर ये आई फ्लोज लॉन्च किया गया। आई फ्लोज बहुत पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और बेसिकली चेन्नई फ्लड के दौरान में ये लॉन्च किया गया था। चेन्नई फ्लड 2016, इनफैक्ट 2016 छोड़िए, काफी पहले से ही ये बहुत ही ज्यादा डिजास्टर सिचुएशन फेस कराई है, जिसके कारण से हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। और इस दौरान में महाराष्ट्र में भी ये आईफ्लोज लॉन्च कर दी गई है। तो इसके लिए अगर देखेंगे आप तो आईफ्लोज एक डिजास्टर, और डिजास्टर के लिए हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिस्पॉन्सिबल होती है, IMD बेसिकली इसको भी देख रही होती है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, इन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। क्लियर हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि इट इज अ इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम एंड इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मुंबई इज द ओनली द सेकेंड सिटी इन द कंट्री आफ्टर चेन्नई टू गेट दिस सिस्टम। इसके बाद जो है बेंगलोर और पुणे वगैरह में भी इंस्टॉल करने की बात हो रही है। द वार्निंग सिस्टम विल बी एबल टू रिले द अलर्ट ऑफ फ्लड प्रोन एरिया एनीवेयर बिटवीन 6 to 72 years। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है सारी कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं और आगे अगर देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली सहकर मित्र स्कीम के बारे में है। इस स्कीम को लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो भी अभी आपको डिटेल्ड वर्जन में दे दूंगा। तो ये बेसिकली सहकर, मतलब कि सहकर का मतलब क्या है, साथ में कोऑपरेशन के दौरान में काम करने की बातें की जा रही हैं। ये जो बेसिकली सहकर स्कीम है ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा, नहीं, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर के द्वारा है। फार्मर छोड़िए, एग्रीकल्चर के बारे में है, एग्रीकल्चर को लेकर के बनाई गई है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगेन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री कौन सी है। स्कीम की सबसे इंपॉर्टेंट होती है मिनिस्ट्री, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्या उसमें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 2018 में इसी तरीके का 2017 या 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और वहां पर फाइनेंशियल हेल्प के जरिए ही UPSC ने
बहुत सारे लोगों का आंसर गलत करा दिया, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, फाइनेंशियल हेल्प इसमें प्रोवाइड की जा रही है। इसका काम क्या है, ये बेसिकली एक इंटर्नशिप स्कीम है, और इस इंटर्नशिप के जरिए जो एक बैकवर्ड चीज मानी जाती है एग्रीकल्चर, उसमें नई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की बात की जा रही है। यहाँ पर यंग प्रोफेशनल्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि इस सेक्टर का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके, इस सेक्टर में नई जान आ सके। तो बस यही चीज यहाँ पर भी है कि टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का मतलब जैसे किसी ने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करके रखी हुई है या MBA करके रखा हुआ है मार्केटिंग वगैरह में, तो उनको कहा जाएगा कि यहाँ पर आइए और इस तरीके के लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप रोल अपनाइए, और इस तरीके से जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड करिए। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट 2 और 3 हो जाएगी, आंसर इसका भी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए, सहकर मित्र यूथ स्किल स्कीम के बारे में, कि ये बेसिकली नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में अगेन देख लीजिए कि ये जो कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1963 में ही बना दिया गया था, और ये बेसिकली काम करता है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ही पूछी गई थी आपसे। इट वुड ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू डेवलप लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप रोल, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा। अंडर द प्रोग्राम ईच इंटर्न विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट 4 महीने तक के लिए। तो ये बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन थी इसके बारे में। अगर कोई डाउट, क्वेरी या फिर सजेशन होती है तो आप इन सोर्सेज का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।